नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। गोवा के उप मुख्यमंत्री मनोहर अजगांवकर ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बी आर अम्बेडकर का दलितों के लिए दलित स्थान बनाने का विचार था, लेकिन भारत के लोग एकजुट बने रहे। अजगांवकर ने ये बात संसद में संशोधित नागरिकता कानून पारित करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सोमवार को गोवा विधानसभा में कही। उन्होंने सदन को संबोधित करते हुए कहा, बंटवारे के वक्त मुसलमान दूसरी ओर चले गए और पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन गया, लेकिन हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बना। पेरनेम क्षेत्र से बीजेपी विधायक अजगांवकर ने कहा, कुछ लोग हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करते हैं, हिंदुओं में सभी समुदाय आते हैं, कैथलिक, हिंदू, मुस्लिम, दलित। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि दलितों के लिए एक अलग दलित स्थान होगा, लेकिन आज भी हम सब एक साथ हैं। डिप्टी सीएम ने कहा, जब देश आजाद हुआ तो अम्बेडकर ने हमें लोकतंत्र का संविधान दिया जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दलित शामिल है। उन्होंने कहा कि यदि यह देश महान है तो इसमें सभी का योगदान है। गोवा विधानसभा में अजगांवकर ने अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों से आग्रह किया कि वे CAA की वजह को देखें और समझें। यह नागरिकता देने के लिए है। हर जगह बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है, यह देश एक है, किसी भी समुदाय को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।